प्रोग्रेशन आइए देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और जबड़ीला टॉपिक है। तो सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल पर, और देख सकते हैं जेई मेन जे एडवांस के लिए आज प्रोग्रेशन पूरा ज़बरदस्त, और ये एमसीए के एग्ज़ाम के लिए भी बिल्कुल वही है लेवल। बस आप देख सकते हो थोड़ा सा उसमें लेवल डाउन होता है, लेकिन आप इस लेक्चर को देख कर उनके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखेंगे प्रोग्रेशन, इसमें बहुत ज़बरदस्त आपको नॉलेज देंगे। सबसे पहले हमें यह सीखना है, प्रोग्रेशन चैप्टर को हम सीक्वेंस एंड सीरीज भी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्रेशन में सबसे पहले कहेंगे व्हाट इज सीक्वेंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है अनुक्रम क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस। तो ये ध्यान रखना, बस इतना याद रखिए, सीक्वेंस इज ए रूल। जब कोई सीक्वेंस किसी रूल से आगे बढ़ता है, जैसे ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपका जो है सीक्वेंस है। यानी किसी रूल से, कोई डेफिनेट रूल, वो रूल कुछ भी हो, बस किसी रूल से आगे बढ़ते चले जाए, इसको हम नाम देंगे सीक्वेंस कहेंगे। देखिए इसमें क्या रूल है, 1 ऐड करोगे अगला टर्म मिलेगा, 1 ऐड करोगे अगला टर्म मिलेगा, ये इस तरीके से हमारा सीक्वेंस बनता चला। उसके बाद क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो गया, जैसे ये लिखा है 2 और ये 6, 10, 14, 18, क्या ये सीक्वेंस है। इसके जो, इसको टर्म बोलते हैं, इनको पद बोला जाता है, तो इसके जो टर्म है वो किसी डेफिनेट रूल से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा सीक्वेंस है अनुक्रम। देखे देखिए कैसे, 4 ऐड करोगे उसके बाद वाला 4 ऐड करोगे, फिर 4 ऐड करोगे, फिर 4 ऐड करोगे और फिर 4 ऐड करोगे, इसके बाद वाला बता सकते हो 22 हो जाएगा, और फिर इसके बाद वाला, फिर इसके बाद वाला 26 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं, यानी एक रूल जो है यहाँ पे लगा हुआ, जो रूल है वो सब के लिए। और एक चीज ध्यान रखना, सीक्वेंस को पता करने के लिए 3 टर्म आपको होने चाहिए। किसी भी सीक्वेंस में अगर आप पता करोगे तो 3 टर्म मिनिमम होने चाहिए, उसके बाद तुम और ज़्यादा लिख सकते हो, कोई बात नहीं। 3 टर्म तक जो रूल चल गया वो आगे मेंटेन रहेगा सीक्वेंस में। चलिए अब ये वाला बताइएगा, 2, 4, 8 और 16, 32, क्या ये भी हमारा सीक्वेंस है। बोलिए क्या ये भी हमारा अनुक्रम है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी जो टर्म है एक डेफिनेट नंबर को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा सीक्वेंस होगा। एक नियम है जो सारे टर्म के लिए वही होगा, इसके बाद वाला क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना है। तो हमने ये नहीं कहा बेटा कि आपको ऐड करके आगे बढ़ना है या मल्टीप्लाई करके, किसी रूल से आगे बढ़ना है, कोई डेफिनेट रूल जो आपका उस के टर्म उस रूल से मिल रहे हों, उसी को हम नाम देंगे सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये सीक्वेंस है कि नहीं है, बोलो ये सीक्वेंस है कि नहीं है, बताइए आप सभी बच्चे मुझे बताइए, क्या ये सीक्वेंस है। बिल्कुल ये सीक्वेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें पहला टर्म 1 है, सेकंड टर्म 4 है, तो इसका स्क्वायर है, देखो 1, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर 4, थर्ड टर्म 3 का स्क्वायर 9, फोर्थ टर्म 4 का स्क्वायर 16, फिफ्थ टर्म 5 का स्क्वायर 25। तो ये क्या है, इसका फोर्थ टर्म 16 हो गया, पांचवा पद 25 हो गया, छठवां पद 36 होगा, तो ये क्या हो रहा है बेटा, स्क्वायर है। कोई भी टर्म की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर हो रहा है, तो ये एक रूल जो है सारे टर्म के लिए चल रहा है, तो ऐसा ये सब क्या होंगे, सभी जो है हमारे सीक्वेंस होंगे बेटा। सीक्वेंस को भी जैसे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी यहां पर हम प्रोग्रेशन सीक्वेंस को ही नाम दे रहे हैं, यानी कोई डेफिनेट रूल से चल रहा है उसी को हम एक प्रोग्रेशन कह सकते हैं या सीक्वेंस कह सकते हैं, लेकिन उस सीक्वेंस में, प्रोग्रेशन में हमने उसको 3 तरीके से, जैसे मान लो एपी हो गया, जीपी हो गया और एचपी हो गया, सबको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये सीक्वेंस समझ लीजिए। और एक बात आपको याद रखना है, सीक्वेंस कैसे, किसी भी सीक्वेंस के टर्म हमें कैसे मिलेंगे, उसके लिए हमें चाहिए उसका एनेट टर्म। जैसे लिखेंगे, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, लिखिएगा बेटा क्वेश्चन, लिखेंगे व्हाट इज द फाइंड द सीक्वेंस, यहां पे लिख देते हैं फाइंड द सीक्वेंस हुज एनेट टर्म इज, एनेथ टर्म इज
एन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। जल्दी से बताएंगे कैसे होगा क्वेश्चन। हमें अनुक्रम ज्ञात करना है, सीक्वेंस यानी अनुक्रम ज्ञात करना है, हूज एनथ टर्म, जिसका एनवा पद इतना है बेटा, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे जरा देखेंगे, आपको एनथ टर्म गिवन है, एनवा पद, टी एन का मतलब एनवा पद होता है, और ये हो गया एन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। किसी भी सीक्वेंस का मतलब है उसके टर्म को फाइंड करना, बस तीन टर्म लिख दो, डॉट डॉट कर दो, क्योंकि मिनिमम तीन टर्म जरूर लिखेंगे आप, दो टर्म तक नहीं छोड़ना, तीन टर्म के बाद फिर भले चार टर्म पांच कितने भी लिख दें, लेकिन कोई भी सीक्वेंस दिया तो उसके मिनिमम तीन टर्म तो देना जरूरी है। चलिए हमने एन इक्वल टू वन रख दिया, तो एन इक्वल टू वन का मतलब उसका आ जाएगा टी वन यानी फर्स्ट टर्म, एनथ टर्म का मतलब एन वहां पर। देखिए जैसे ये लिखा होता है कोई सिक्वेंस है, फाइव थ्री एड करोगे एट इलेवन, तो ये आगे हम आपको बताएंगे कि जब हम ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक डेफिनेट नंबर को ऐड कर रहे हो, मतलब ऐसा रूल जिसमें टर्म एक डेफिनेट नंबर को ऐड करने से ही मिल रहे हो, उस सीक्वेंस को नाम दिया जाता है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में एपी कहेंगे, और जिस सीक्वेंस के टर्म एक डेफिनेट नंबर को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं उस सिक्वेंस को हम नाम देंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें तैयार होते हैं, तो आइए सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसका nth टर्म क्या होगा। nth टर्म ये दिया हुआ है तो इस सीक्वेंस क्या होगा, तो n इक्वल टू वन रखेंगे तो फर्स्ट टर्म निकल के आएगा, टू इंटू वन प्लस वन का होल स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिखेंगे अब, चलो पहला क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में लिख दे रहे हैं, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वन अपॉन, और ये होगा टू में वन ऐड करोगे तो यहां पर थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन, ये इसका फर्स्ट टर्म होगा। n इज इक्वल टू टू का मतलब ये इसका सेकेंड टर्म होगा। जब कोई सीक्वेंस लिखा होता है टू और थ्री फाइव थ्री एट और थ्री इलेवन थ्री फोर्टीन, ये हो गया तो ये बेटा इसका होगा फर्स्ट टर्म, इसको कहेंगे टी वन, टी वन मतलब फर्स्ट टर्म, ये हमारा टी टू का मतलब सेकेंड टर्म, टी थ्री का मतलब थर्ड टर्म, ठीक है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए आइए एन की जगह टू रखेंगे, तो टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टू प्लस का वन का होल स्क्वायर, तो यहां से अगर हम बात करेंगे कि हमारा सेकेंड टर्म होगा टू अपॉन दो दुनी चार और एक पांच, पांच का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ये हमारा सेकेंड टर्म होगा। एन इज इक्वल टू थ्री रखोगे थर्ड टर्म, तो थ्री क्या होगा बेटा, थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा दो तीन डिवाइडेड बाई छः और एक सात, सात का स्क्वायर उनचास, तो यहां पर जो सीक्वेंस होगा द सीक्वेंस इज, तो यहां पर जो हमारा सीक्वेंस है वो कितना होगा, वन बाई नाइन कॉमा टू बाई ट्वेंटी फाइव कॉमा आपका थ्री बाई फोर्टी नाइन और डॉट 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 डॉट, ये हमारा आंसर होगा, दिख रहा है ना। चलिए तो ये हमारा क्या होगा, ये सीक्वेंस हो गया, तो सीक्वेंस कैसे आएगा बताओ। सीक्वेंस आप निकालना चाहते हो उसके लिए रूल चाहिए, और रूल क्या है, nth टर्म, वो हर टर्म के लिए रूल होगा। इसका 19th टर्म निकालना है, इसका 12वां पद निकालना, n की जगह 12 रख दीजिए, निकल आएगा 12th टर्म। इसका मतलब सीक्वेंस बनाने के लिए, यानी आपको अनुक्रम बनाना है, प्रोग्रेशन को तैयार करना है, उसके लिए जरूरी है हमारा nth टर्म मालूम होना चाहिए। उस nth टर्म में आप n की वैल्यूज एक एक करके पुट करोगे तो वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सीक्वेंस निकल, बस तीन टर्म लिख दीजिए, बट डॉट 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 कर दीजिए, ठीक है। आई कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं, आप डायरेक्ट कर देना, आप जैसे फर्स्ट टर्म लिखना है तो डायरेक्ट ही लिख सकते थे, देखो कैसे, वन डिवाइडेड बाई टू और वन थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन, टू डिवाइडेड सेकेंड टर्म टू दो दो चार और एक पांच, पांच का स्क्वायर पच्चीस, थर्ड टर्म क्या होगा थ्री डिवाइडेड बाई दो तीन छह एक सात उनचास, तो आप डायरेक्ट ही लिखोगे आप, ठीक है, आपको डायरेक्ट लिखना है। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इनमें डायरेक्ट आप सिक्वेंस बता दीजिएगा क्या होगी सिक्वेंस, लिखेंगे फाइंड द सिक्वेंस, फाइंड द सिक्वेंस, फाइंड द सिक्वेंस, फाइंड द सिक्वेंस हूज nth टर्म आपको सीक्वेंस पता करना है, क
पहला एन स्क्वायर प्लस एन, दूसरा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सॉरी एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। जल्दी से बताएंगे आपको सीक्वेंस बताने हैं हुज एन एटम, जिसके एन में पद यदि है तो बताइए कैसे होगा क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत इजी है सॉल्यूशन। क्या करेंगे बेटा एनथ टर्म क्या होगा बोलो। सबसे पहले क्या रख दिया जाए, एन की जगह वन रख दिया जाए, तो वन और वन बोलो। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द सिक्वेंस इज यहां पर लिख देते हैं कितना होगा, वन रखेंगे तो कितना होगा टू, टू रखो कितना होगा चार, दो रखोगे दो का स्क्वायर चार और दो छः, और थ्री रखिए नौ और तीन बारह, ये डॉट 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 डॉट। बोल दो सर एपी नहीं है, तो एपी का मतलब थोड़ा ना सिक्वेंस होता है, एपी का मतलब थोड़ा ना सिक्वेंस होता है। आपका होगा एपी नहीं है, एपी का मतलब अरे यार वो सिक्वेंस, जैसे हमने क्या कहा कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ते हैं उसे हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहेंगे। दूसरा आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा वाले सवाल का आंसर क्या होगा, ये द सीक्वेंस इज, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा हमारा वो क्या होगा, वन रखेंगे वन डिवाइडेड बाई वन रखोगे वन माइनस वन कैंसिल हो जाए वन ही रहेगा, ठीक है। वन टू रखो, टू रखने पर कितना होगा टू डिवाइडेड बाई दो का स्क्वायर होगा चार, चार में दो गया दो, दो और एक तीन, और तीन रखोगे थ्री डिवाइडेड बाई कितना होगा तीन का स्क्वायर नौ, नौ में तीन घटाएंगे छः, छः और एक सात, बस डॉट डॉट करके इस तरीके से लिख दोगे, ये हमारी सिक्वेंस आ गई। तो ये ध्यान रखना है सिक्वेंस बहुत ही आसान है, सिक्वेंस बहुत ही ईजी है बेटा। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होंगे आपको पहले बताएं तो, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, फिर उनको मिक्स करके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या है, व्हाट इज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, पूरा अच्छे से समझिएगा। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी भी कहा जाता है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन हेडिंग डालेंगे एपी, समझने पर ध्यान दीजिएगा, थ्योरी कोई नहीं पूछेगा, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिकल, ऐसे मैथमेटिक्स में सवाल नहीं आते। आपको केवल और केवल सीखना है इसका कॉन्सेप्ट, आप इसका फंडा समझिए अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होती है। चलिए इसको हम एपी ही बोलेंगे, पूरा नाम नहीं बोलेंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, केवल शॉर्टकट में एपी बोला जाता है, समांतर श्रेणी। देखो बेटा समझ लीजिएगा, हम पांच एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको और आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। ऐसा सीक्वेंस, सुनिएगा नाम है सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब एपी नहीं होता, जैसे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज जिसमें चार साइड्स हों, लेकिन ऐसा जिसमें आमने सामने वाला पैरेलल हो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, और उसके बाद अगर साइड्स पैरेलल हों और आपस में राइट एंगल हो तो उसको क्या बोलते हैं आप, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको रेक्टेंगल या स्क्वायर कहते हैं, अगर साइड इक्वल है तो स्क्वायर, तो सब हैं क्वाड्रिलेटरल। तो वैसे ही ये सीक्वेंस सारी हैं, चाहे एपी कहो चाहे जीपी कहो, सीक्वेंस इनफाइनाइट बन सकती हैं, लेकिन ऐसा सीक्वेंस जिसमें ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें क्या होगा टर्म एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके, फिर से सुनिएगा, डेफिनेट का मतलब है, डेफिनेट का मतलब है निश्चित, निश्चित मतलब वो बदलना नहीं चाहिए, जैसे थ्री है तो उसी को ऐड करके आप आगे बढ़ें, फाइव है तो उसी को ऐड करके आगे बढ़ें, वो एक फिक्स नंबर है जिसको ऐड करके आपको आगे अपने सीरीज को बढ़ाना है, आगे उस सीक्वेंस को बढ़ाना है। जैसे वन है, हमने इसमें थ्री ऐड किया, इसमें थ्री ऐड किया, तो अब थ्री को ही ऐड करके आगे बढ़ते जाएं, किसी भी नंबर को ऐड करके आगे बढ़ते चले जाओगे, इस टाइप की जो सीरीज होगी उसी को हम एपी, जैसे फोर ऐड किया और ये चार ऐड गया, एक चार पाँच, पाँच चार नौ, नौ चार तेरह, तेरह चार सत्रह, सत्रह चार इक्कीस, इक्कीस और चार चार नौ चार तेरह, तेरह चार इक्कीस, तेरह चार सत्रह, सत्रह चार इक्कीस, इक्कीस और चार पच्चीस, बस डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है, ये आपने क्या किया, एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए इस सीक्वेंस को हम नाम देंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ते चले जाना है। सर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बेटा सब्ट्रैक्ट को ही ऐड बोला जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया 17 और ये 15 और 13, तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन किसको ऐड कर रहे हैं, माइनस टू को, बात वही हो गई, सब्ट्रैक्ट ऐड वही चीज हो गई, ठीक है 11। तो ये क्या है,
यानी जो डेफिनेट नंबर है वो निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, जब वो पॉजिटिव होगा तो एक प्रकार से ऐड हो रहा है, जब वो निगेटिव होगा तो एक प्रकार से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो याद रखना, जैसे तो ये ध्यान रखना एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही चीज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, आप एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे हो, इस टाइप का जो सीक्वेंस होगा, इस टाइप की जो सीरीज होगी, इस टाइप का जो प्रोग्रेशन होगा, उसी को नाम दिया जाएगा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे दो और पाँच सात, दो और पाँच सात, सात और पाँच बारह, बारह पाँच सत्रह, सत्रह पाँच बाईस, एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इस टाइप की जो सिक्वेंस है, इस टाइप का जो आपका प्रोग्रेशन, उसी को नाम देंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ये देखिए फाइव फाइव फाइव, सर इसमें तो ऐड नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, ऐड कर रहे हैं, जीरो जीरो करके ऐड करते चले जा रहे हैं। इसको हम एक और नाम देते हैं, कांस्टेंट एपी भी बोला जाता है। कांस्टेंट एपी का मतलब उसका कॉमन डिफरेंस, अभी कॉमन डिफरेंस क्या है उस पर बात करेंगे। कांस्टेंट एपी का मतलब है उसका कोई भी टर्म चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह से थ्री, और यहां पर टू ऐड किया, फाइव टू ऐड किया, सेवन टू ऐड किया, नाइन टू ऐड किया, इलेवन डॉट 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 डॉट, तो ये क्या है, एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस टाइप का जो सीक्वेंस है उसी को हम नाम देंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो ये सारे के सारे हमारे आर द एग्जांपल्स ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एपी है। तो एपी सर, ये सर ये जो टू और फोर एट सिक्सटीन, सर ये भी तो नहीं है एपी। अरे बेटा ये सिक्वेंस है, सिक्वेंस मैंने बोला ना इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हो। हमने कहा ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या होता है, टर्म ऐड करके आगे बढ़े, एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़े, उस सीक्वेंस को हम नाम देंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो ये जो था मल्टीप्लाई करके, वो सीक्वेंस तो है लेकिन वो एपी नहीं है। तो याद रखेंगे आपको क्या कहा भाई, मतलब ये आप जैसे मान लीजिए भाई रेक्टेंगल होता है, तो क्या इसको रेक्टेंगल बोल सकते हो, रेक्टेंगल, जबकि क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो, स्क्वायर को भी क्वाड्रिलेटरल बोला है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार भुजाएं होनी चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल मतलब वो साइड्स परपेंडिकुलर हो तब तो हम कहेंगे रेक्टेंगल है, जबकि क्वाड्रिलेटरल दोनों है। तो वैसी ये सीक्वेंस है, वो भी सीक्वेंस है, लेकिन उसमें टर्म मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हैं। इस टाइप का सीक्वेंस जिसमें टर्म मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं, उस सीक्वेंस को हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जो कि इसके बाद वाला है। और ढेर सारे सवाल जो दोनों को मिक्स करने के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आसान है, बस कॉन्सेप्ट किसी का क्लियर हो जाए तो प्रोग्रेशन बहुत ईजी है। तो ये क्या है आपका प्रोग्रेशन है, ये हमने आपको बता दिया, यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। सर सीरीज क्या होती है, बेटा देखो सीरीज, आपको एक चीज बता दे, सीरीज को श्रेणी हिंदी में कहा जाता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। ये आपका प्रोग्रेशन है, ठीक है, अगर इसको सीरीज बनाना है, फर्स्ट एग्जाम्पल की जो सीरीज है बीच में विद साइन ऐड कर दो, जैसा साइन लिखा है उस साइन के साथ तुमको ऐड कर दो, यही हमारी हो गई सीरीज। यानी विद बीच में प्लस प्लस डाल दें, और जैसे टर्म है उन्हीं हुए साइन ले, भाई ये माइनस होता तो ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो जैसा है उनको ऐड करके लिख दो कुल मिलाकर, वही आपकी सीरीज होती है। पॉइंट नोट कर लेना, सीरीज का मतलब ये कॉमा कॉमा लगा के लिख रहे हो तो ये हमारा प्रोग्रेशन है, सिक्वेंस है, लेकिन बीच में ऐसे साइन करके लिख दोगे तो ये हमारी क्या हो गई, सीरीज हो गई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, बस यहाँ पे कॉमा नहीं प्रयोग हो रहा, यहाँ से जैसे साइन है वैसे ही लिख रहे भाई। अगर मान लो, मान लीजिए मैंने वन माइनस फाइव लिखा, तो इसका मतलब पहला टर्म वन, दूसरा टर्म माइनस फाइव, ये माइनस इस टर्म के कारण आए, लगाना प्लस ही है बीच में, लगाना प्लस ही, लेकिन वो माइनस है तो जिस कारण वो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना सीरीज क्या होती है, सीरीज का मतलब आप बीच में प्लस प्लस लगाते रहिए, और जैसे हैं उन्हीं को वैसे ही साइन में ऐड कर दीजिए, कुल मिला के सबका जो समीशन होगा उसको हम सीरीज नाम देंगे, ठीक है, सीक्वेंस कॉमा कॉमा करके लिखेंगे। तो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की बात क्लियर हो गई, एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आप आगे बढ़ते हो, इस टाइप का जो सीक्वेंस होगा उसी को हम नाम देंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अच्छा बात करते हैं, बात करेंगे कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अगर बात करी जाए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब है सार्व अंतर। अगर हम बात करेंगे सार्व अंतर क्या होता है, इसे बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट किया जाता है, जिस डेफिनेट नंबर को ऐड करके आप आगे बढ़ रहे हो, जिस निश्चित संख्या को जोड़कर आगे बढ़ रहे हो, उस नंबर को ही नाम दिया जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है।
ध्यान रखना फ्रैक्शनल इंटीजर कुछ भी हो सकता है, लेकिन टर्म अगर हमारे इंटीजर हैं तो कॉमन डिफरेंस भी इंटीजर होगा। चलो वो कैसे होगा वो अभी बताएंगे। इस वाली सीक्वेंस का, इस वाली अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? चार। इस वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? माइनस का दो। इस वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? पांच। इस वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? जीरो। इस वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? दो। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है? जिस डेफिनेट नंबर को ऐड करके आप आगे बढ़ रहे हो उसी को हम नाम देंगे कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। ठीक है बेटा। अच्छा, एक तो ये डेफिनेशन हो गई भाई, एक डेफिनेशन ये हो गई जो मैंने आपसे कहा। क्या कहा? कि आपने कहा कि एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे, एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन भी वही, मतलब अलग है लेकिन मतलब वही है। जैसे दूसरी डेफिनेशन क्या है? कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम रहेगा भाई, कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा तो उनको हम क्या का नाम देंगे आपको? एपी। देखो इन दोनों का डिफरेंस करो, 5-1 4। सर मैं डिफरेंस ऐसे भी तो कर सकता हूं 1-5 5-1। तो हाँ, अगर तुम 5-1 कर रहे हो तो हर टर्म में फिर बाद वाले टर्म में पहले वाले को ही माइनस करना, अगर 1-5 कर रहे हो तो 5-9 करना। देखो कॉमन डिफरेंस को लेके कई मिसकॉन्सेप्शन भी है। मिसकॉन्सेप्शन क्या है? कुछ लोग कहते हैं कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस, अरे भैया इन दोनों का डिफरेंस तो 5-9 भी किया जा सकता है, 9-5 भी किया जा सकता है। ये गलत है थ्योरी। जो लोग कहते हैं कि दो टर्म कोई भी कंजुगेटिव, कंजुगेटिव का मतलब ये नहीं है, कंजुगेटिव मतलब ये दो अगल बगल वाले टर्म, उन दोनों को घटाने से कॉमन डिफरेंस आएगा। भाई डिफरेंस का मतलब ये, इसमें भी माइनस कर सकते हो, इसमें भी माइनस कर सकते हो। डिफरेंस का मतलब ये है कि आपको इसमें इसको भी घटा सकते हो, इसमें इसको भी घटा सकते हो। लेकिन आज आपको बता दें कि कॉमन डिफरेंस निकालने का की डेफिनेशन यही है, जिस डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे हो वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है, ना कि इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस तो -4 भी हो जाएगा, 5-9 -4, तो गलत है ना। इसलिए याद रखना कॉमन डिफरेंस क्या होगा। और ऐसा भी नहीं कॉमन डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव, भैया वो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आपकी सेकंड डेफिनेशन क्या है, कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस, डिफरेंस करने का स्टाइल याद रखना। अगर ये टर्म लिया उससे पहले वाले को, अब हर जगह यही करना, 13-9 4 17-13, कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस या तो इस पैटर्न में करो 25-21 4, या इस पैटर्न में करो 1-5 -4 5-9 -4 9-13 -4, ये होगा। तो आप ये बताइए, मान लीजिए कोई बॉय है उसकी एज 16 ईयर है और कोई बी है लड़का उसकी एज मान लीजिए 14 ईयर है। मैंने कहा ये इससे कितना साल बड़ा है, या मान लीजिए चलो इसकी है 14 साल उसकी है 16 साल, तो ये बताओ इससे कितना साल बड़ा है? अरे भैया इससे 2 साल बड़ा है कि नहीं है? अगर मैंने कहा इनके बीच में कितना डिफरेंस है एज का, तो 2 का ही तो है, 16 में 14 घटा दीजिए 2 साल का है, तो डिफरेंस वही आएगा। इसमें जितना ऐड करने पर वो बन रहा है उतना ही इसको घटाओगे तो उतना ही डिफरेंस आएगा। जब आप बार बार 4 जोड़ के आगे बढ़ रहे हो तो भैया इसमें इसको घटाओगे तो 4 ही आएगा। जैसे 21 में 17 घटाओगे, बार बार आप 4 जोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो इसलिए कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा। डिफरेंस करने का पैटर्न या तो ये माइनस ये होना चाहिए, ये माइनस ये होना चाहिए, ये माइनस ये, या तो ये माइनस ये, तो फिर पूरे सीरीज में वही चलना चाहिए, पूरे सिक्वेंस में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, कोई डेफिनेट नंबर को, जिस डेफिनेट नंबर को ऐड करके सीक्वेंस यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के टर्म मिलेंगे, उस डेफिनेट नंबर को हम नाम देंगे क्या कहेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस। और जो दो डेफिनेशन बताई, पहले में कहा एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहा है, और दूसरे में कहा कि कोई भी दो कंजुगेटिव, तो ये तो समझ में आ रहा है यार, जब हम 4-4 जोड़ के बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना दो लड़कों की एज में ये 2 साल बड़ा है, तो ऐसे भी कह सकते हो 2 साल बड़ा है, ये भी कह सकते हो इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। बात तो वही है भाई, आप किसी दुकान में जाते हो समोसा खाने के लिए, मान लीजिए आपने कोई होटल देखा और वहां पर समोसा खाने के लिए आप गए, आपने पता कि अंकल कितने रुपए का समोसा, अंकल ने कहा बेटा 6 रुपए का एक समोसा है। आप एक दिन गए, आपने कहा अंकल मुझे 2 समोसे दे दीजिए, बोला कि नहीं बोला आपने, 2 समोसे दे दीजिए, यानी सेंटेंस है। फर्स्ट डे का आपने प्लान बनाया, आज इस दुकान से समोसे खाना है, इसका मतलब आपने पता किया और आपने उस दिन आप कहा कि मुझे 2 समोसे दे दीजिए। ये सेंटेंस है आपका, मुझे 2 समोसे दे दीजिए। एक हफ्ते बाद दोबारा आपका मन किया, संडे था उस दिन, दोबारा मन किया, आपने कहा अंकल 12 रुपए के समोसे दे दीजिए। बात को समझिए, अंकल 2 समोसे दे दीजिए, और अंकल अगली बार 12 रुपए के समोसे दे दीजिए। बात वही है ना, लेकिन सेंटेंस हमारा बदल गया,
तो बस वही चीज है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा, या ये कह सकते हो एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे। अरे भैया जब उसी नंबर को चार चार जोड़कर आगे बढ़ोगे तो इसमें इसको घटाने पर उतना ही आएगा। आप इसमें कह रहे हो कि ये इससे दो साल बड़ा है, यानी 14 में दो जोड़ोगे 16 बनेगा। अगर मैंने कहा उनके बीच में कितने का एज का अंतर है तो उतना ही तो होगा भाई, बड़े में उसको घटा दो तो पता चल जाएगा इतने का अंतर है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, समझ लीजिए इसको। चलिए अब देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। हमने बात की प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान देना बेटा, एक बात ध्यान रखना कि एपी में क्या होता है, जैसे देखो एक और तीन चार और तीन सात और तीन दस तीन तेरह, ये आपका तीन का डिफरेंस से चल रहा है। मतलब अगर मैं सात में एक की बात करूंगा, सेवन माइनस वन तो ये सिक्स होगा, तो ज्यादा बेटर इनको ऐड कर दो, इनके बीच में ये दो चीजें हैं इनको जोड़ दो, वही इनके बीच में डिफरेंस, क्योंकि ये तीन का गैप था, गैप बढ़ जाएगा तो छह का गैप हो जाएगा इनके बीच। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करेंगे तो दस माइनस एक नौ, तो तीन और तीन छह और तीन नौ, बात सही है। यानी अगर मैंने कहा ए बी सी डी ई, अगर मान लीजिए हमने कहा के है, ये के है और ये के है, अगर c माइनस ए की बात करेंगे तो क्या होगा, 2k हो जाएगा। और अगर a माइनस सी की बात करेंगे, इसमें इसको माइनस करोगे, ये मान लीजिए कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं हम k है, तो ये इसमें इसको घटाने पे 2k आएगा, लेकिन अगर इसमें इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, माइनस का 2k। भाई ये बताइए, एक माइनस चार करोगे तो माइनस का तीन, चार माइनस, ये जो हम लिख रहे हैं समझो कॉमन डिफरेंस लिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन दिया है कॉन्सेप्चुअल, इसका जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखेंगे क्वेश्चन है, एफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस कॉमा टी आर इन ए पी, देन the value of s minus q divided by r minus q plus t minus q divided by s minus r plus t minus p divided by r minus q, बताओ ये हमें वैल्यू बतानी किसके इक्वल होगी। चार ऑप्शन आपको दे रहे हैं, इनमें से कोई आंसर हमें बताइए, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। फोर है, ट्वेल्व है, सिक्सटीन है, एक और देख लेंगे। देखो इधर कैसे होगा सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे। p कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस कॉमा टी एपी में है। अब बच्चों को नॉलेज नहीं है, देखो ये क्या होगा, एस माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस क्यू प्लस, ये लिखा है टू टाइम्स टी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एस माइनस आर प्लस टी माइनस पी डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा, आर माइनस क्यू, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जरा ये बताइए बेटा, ये अगर एपी है तो डिफरेंस सेम रहेगा, इनके बीच में डिफरेंस डी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस डी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस डी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस डी है। बेटा ध्यान दीजिए, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, यही हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो एस माइनस क्यू क्या होगा, एस में क्यू को माइनस करो कितना होगा, टू डी का डिफरेंस होगा। R माइनस क्यू क्या होगा, D का डिफरेंस होगा, प्लस टू टाइम्स T माइनस क्यू कितना होगा, 3D का डिफरेंस होगा, डिवाइड में S माइनस R D का डिफरेंस होगा, प्लस T माइनस P कितना होगा, 4D का डिफरेंस होगा, डिवाइड बाय R माइनस क्यू क्या होगा, D का डिफरेंस होगा। अब देखो कितना कमाल कॉन्सेप्ट है बेटा, एपी की मोहर लग गई है तो जितना इसको घटाने पर आ रहा होगा उतना ही इसमें इसको माइनस करने पर होगा। तो यहां से डी कैंसिल होगा, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, दो और ये छह हो जाएगा, तीन दुनी दो तीन छह, छह और दो आठ और चार बारह, यानी हमारा आंसर क्या होगा, बी पार्ट हो जाएगा। देख ले सकते हो आप
कितना बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। स्टूडेंट को नॉलेज नहीं होगी, वो स्टूडेंट एलसीएम लेगा, एलसीएम लेने के बाद जो है परेशान रहेगा, यानी मल्टीप्लाई करोगे और क्या करोगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी कमाल की बात है कि बेटा ये एपी की मुहर लग गई है, समांतर श्रेणी है, तो हम अच्छे से जानते हैं एपी का मतलब है इसको इसको माइनस करने, भले क्या है नहीं मालूम, लेकिन इसमें इसको घटाने पे जो आ रहा होगा, फिर इसमें इसको माइनस करने पर भी वही आ रहा होगा, इसमें इसको माइनस करने पर भी वही आ रहा होगा, इसमें इसको माइनस करने पर भी वही आ रहा होगा। क्लियर है ना, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, देखिए कैसे होगा। देखिए इधर बेटा, यहाँ पर आप बच्चों को ध्यान देना है, ये एपी में है चारों नंबर और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखिए बेटा कैसे होगा, जरा ध्यान, यहाँ पर अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एल एम एन क्यू एपी में है, तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं मालूम होगा पक्का, स्टूडेंट एलसीएम लेने लगेगा, तो ये एक जबरदस्त नॉलेज है। अरे एपी के टर्म को माइनस कर लो, आप इतना दिमाग लगाओ कि इसमें इसको माइनस करने पर, अगर ये एपी होगी, मान लीजिए भाई उसका कॉमन डिफरेंस डी है, तो इसमें इसको माइनस करने पर आएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कभी भी निकालना है तो बाद वाले टर्म में जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस करना होगा, बाद वाले टर्म में जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस, तो पता चल जाएगा हम इसमें कितना ऐड करके ए बढ़ाए, इसमें इसको माइनस करने पर भी उतना ही आएगा क्योंकि एपी की मुहर लग गई है, भले मालूम नहीं है टर्म, लेकिन क्या होगा इनको माइनस करने पर सेम आ रहा होगा, तभी वो एपी की डेफिनेशन बन रही है। तो हमसे कह रहा है क्यू माइनस एल डिवाइडेड बाई एन माइनस एम माइनस का थ्री टाइम्स एम माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एन। तो यहां पर बात करेंगे Q माइनस एल की, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 3D का होगा। N माइनस एम की बात करेंगे तो D का होगा, माइनस थ्री टाइम्स M माइनस क्यू की बात करें, आप देखो M माइनस क्यू इधर से उधर माइनस हो रहा है, तो इसमें इधर माइनस होगा तो कितना होगा, माइनस का 2D होगा, और Q माइनस एन कितना होगा, D। तो यहां से D कैंसिल हो रहा है, तो ये 3 प्लस का 6, 6 में 3 जोड़ोगे 9, 6 में 3 ऐड करोगे 9, यानी ऑप्शन आपका डी पार्ट, इनमें से कोई नहीं हो रहा है। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की डेफिनेशन पर ये क्वेश्चन था। देखिए तो अब हम बात करेंगे अरिथमेटिकल पर और आगे, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पर और आगे बात कर चेक करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले अब अरिथमेटिकल की बात हो गई है, एपी की बात हो गई है, अब उसके कुछ और भी फंडे को सीखेंगे। पोजीशन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, किसी एपी में पदों की स्थिति लिख सकते हो, किसी एपी में पदों की स्थिति, पोजीशन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। देखिए क्या है, मान लीजिए कोई एपी है, 2 में 3 ऐड करोगे 5, 3 ऐड करोगे 8, और 3 11 और 3 14 और 3 17, ये मान लीजिए कोई एपी है। अगर इस एपी के टर्म, ये सारे टर्म हैं, लेकिन इसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, इसको हम सेकंड टर्म कहेंगे, इसको थर्ड टर्म कहेंगे, इसको फोर्थ, जो चौथे नंबर पर है उसे फोर्थ टर्म कहा जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का मतलब हुआ T1, यानी पहला पद, ये होगा आपका 2, ए से भी दिखा सकते हैं, स्मॉल A1 से भी दिखा सकते हैं। सेकंड टर्म यानी दूसरा पद, दूसरा पद का मतलब है जो दूसरे नंबर पर है उसी को हम नाम देंगे सेकंड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब हुआ तीसरा पद जो तीसरे नंबर पर है उसे हम कहेंगे थर्ड टर्म, यानी कितना होगा 8। और फोर्थ टर्म का मतलब हुआ चौथा पद T4, तो चौथा पद कितना होगा बेटा 11 होगा। तो T से दिखाया जाएगा T1 यानी फर्स्ट टर्म, T2 यानी सेकंड टर्म, T3 यानी थर्ड टर्म, T4 यानी फोर्थ टर्म। ठीक है, अगर आप बच्चों से बोला जाए कि इसका सिक्स टर्म क्या होगा, आप कहोगे सर बहुत इजी है, सिक्स टर्म भी बना लिया जाएगा, सिक्स टर्म तो यहां पे दिख ही रहा है, छठवां पद यानी छठवें नंबर वाला, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपसे कहा टेंथ टर्म, वो भी बना बता दोगे आप, बस रूल 3 ऐड कर रहे हो,
सत्रह, सत्रह तीन बीस, बीस और तीन तेईस, तेईस और तीन छब्बीस, छब्बीस और तीन उनतीस, उनतीस तीन बत्तीस, बत्तीस और तीन पैंतीस। आइए देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यानी कितना होगा 29। लेकिन अगर आज आपसे हम बात करेंगे कि इसका हंड्रेड टर्म क्या होगा, इसका 200वां पद क्या होगा, इसका 10,000वां 912वें नंबर पे क्या रहा होगा। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग है कि आपको थोड़ा परेशानी होगी, आपके माइंड में चल रहा होगा सर जी मैं निकाल लूंगा, मैंने कहा कैसे निकाल लोगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी से, मैंने कहा नहीं लगाना है फॉर्मूला। अब है कोई रास्ता, 612th टर्म निकालना है बिना विदाउट फॉर्मूला, तो जोड़ जोड़ के यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है। लेकिन हमारे पास एक भी दूसरा रास्ता है, चलो वो तो हम बताएंगे, लेकिन हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये चीज तैयार हुई है और ये बनी है। लेकिन आज के बाद आप इसको नहीं समझोगे, आप इस समझोगे कि आपने इसे खुद तैयार किया है। देखिए एक और दूसरा तरीका है मेरे पास, कॉमन डिफरेंस कितना है, तीन का है, इसमें इसको माइनस करो कितना हो गया, कितना हो गया माइनस वन हो गया। अब टेबल तो आती होंगी, अगर मैंने इसका टेंथ टर्म क्या होगा, तो जो भी टर्म बोलेंगे उसमें इसको मल्टीप्लाई कर देना और इसको ऐड कर देना, वो टर्म निकल आएगा। टेंथ टर्म कितना है, 29 है, मल्टीप्लाई करो थ्री का, इसको ऐड कर दो, 29 बन गया। हंड्रेड टर्म क्या होगा, हंड्रेड टर्म क्या होगा, तीन का मल्टीप्लाई करो 300, वन माइनस करो, वन ऐड करो यानी माइनस वन ऐड करो, 299। आप निकाल के देख लीजिए हंड्रेड टर्म क्या होगा, ए प्लस ये वाला फॉर्मूले से निकालोगे ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी, तो ये हंड्रेड रखोगे, हंड्रेड माइनस वन 99 एन टू डी। फर्स्ट टर्म कितना है जिससे शुरुआत हो रही है, दो, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम ए भी कहते हैं, और 99 एन टू डी कितना है कॉमन डिफरेंस, तीन, तो ये दो और तीन नंबर 27 और तीन नंबर 27 और दो 29, ये कितना होगा देखो 299। 18th टर्म क्या होगा, 18th टर्म क्या होगा, 54 में माइनस एक जोड़ो 53, देखो 20वां पद क्या होगा 60, देखो हाँ निकालो 60वां पद निकालो कितना होगा, a प्लस 60 माइनस एक 59d, और a कितना है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस 59 और d कितना है 3, तो ये होगा 2 प्लस 3 नंबर 27, 3 नंबर 3 5 15 और 2 17 और ये 179 साठवां पद। और अगर अब हमने कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, 60 में 3 का मल्टीप्लाई करो 180 और इसको ऐड करो माइनस 1 को 179 बन तो रहा है। इसमें इसको माइनस करोगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को घटा देना, ठीक, और अब चाहे जो टर्म है टेबल आनी चाहिए, आराम से हो जाएगा बिना फॉर्मूले से। आपसे बोला जाए, देखो इधर आपसे बोला 16वां पद क्या होगा, 16th टर्म, बोलो 16th टर्म क्या होगा, 47। कितनी जल्दी आ रहा है ये भी तो देखो, 25th टर्म 74, हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ। अगर किसी के सामने बोलोगे कोई सिक्वेंस लग दो, मुझे तुरंत आप कोई भी टर्म पूछो हम निकाल लेंगे। लेकिन चलिए ठीक है, हम पहले तो ये हमारी जो कमाल की ट्रिक है ये तो आपको समझनी है, तो ठीक है ये तो हमारी टेक्निक है जिससे हम कोई भी टर्म तुरंत फास्ट तरीके से निकाल लेते हैं। देखिए बेटा इसमें क्या है, जरा सीखेंगे। देखो मैंने कहा ना आपको ये भी सीखना है, अगर मैं कहूं आपसे कि कोई भी nth टर्म निकालना है, आपने कहा सर tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन, एक लेस करेंगे n टू d, कोई भी टर्म इससे निकाला जा सकता है, ठीक है अच्छी बात है निकाल सकते हो। लेकिन हम आप बच्चों को यह सिखाना चाहते हैं कि कोई भी टर्म आप इससे निकालोगे, लेकिन ये चीज कैसे तैयार हुई है आप इसको मत ध्यान दें, अभी हम एक टेक्निक बताएंगे, ये चीज बयान बनी वो जो सिखाया है वो तो अप्लाई करना ही, ये चीज हम सीखना चाहते हैं कैसे हुआ था, मालूम है आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन हम कहेंगे कि ये हमारे ही टेक्निक से तैयार हुआ है। देखो कैसे हमने क्या किया, यहां पर जरा ध्यान देना, हमने क्या किया इसमें जरा देखेगा, इस क्वेश्चन में जरा देखेंगे आपको क्या करना है, पोजीशन ऑफ टर्म्स आपको निकालना है, यानी किसी भी टर्म की पोजीशन का मतलब टेंथ टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म, एट्थ टर्म, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है कि इसका
ये समझना है, किसी भी प्रोग्रेशन को बनाने के लिए, किसी भी एपी को बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो फर्स्ट टर्म प्रथम पद, फर्स्ट टर्म का मतलब प्रथम पद। एग्जाम्पल के लिए अगर फर्स्ट टर्म हमारा 3 है और कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है तो हमारी एपी तैयार हो जाए। कैसे? फर्स्ट टर्म का मतलब उससे शुरुआत होगी, कॉमन डिफरेंस का मतलब उसको जोड़ कर आगे बढ़ेंगे, 3 में 4 जोड़ोगे 7, फिर 4 जोड़ोगे 11, फिर 4 जोड़ोगे 15। इसका मतलब किसी भी एपी को आगे बढ़ाने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो हमारा फर्स्ट टर्म होना चाहिए हमें मालूम, दूसरा हमारा कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए, तो हमारी एपी तैयार हो जाएगी। 1 और 6 जोड़ोगे 7, 6 जोड़ोगे 13, 7 जोड़ोगे 19, इस तरीके से। मान लीजिए मैंने कहा कोई एपी है, लेट कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी क्या होगी बेटा, जल्दी से बताएंगे एपी क्या होगी। ए डी ऐड करोगे, ए प्लस डी, फिर डी ऐड करोगे, देखो कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, फिर ए प्लस डी में फिर से डी ऐड करोगे कितना होगा, ए प्लस 2D हो जाएगा, फिर इसमें ए प्लस 2D में फिर से डी ऐड करोगे कितना हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा ए प्लस 3D, फिर इसमें डी ऐड करोगे ए प्लस 4D, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओ, दिख रहा है ना, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे ए प्लस 4D, ठीक। अच्छा ये बताइए आगे भी बढ़ोगे, ठीक है डी ऐड करोगे ए प्लस 5D। अच्छा इसके एक चीज जरा पैटर्न को समझो, अगर मैं बात करूंगा थर्ड टर्म क्या है, तो थर्ड टर्म की बात करेंगे तीसरा पद, तो आप कहोगे सर ए प्लस 2D है। मैंने कहा बेटा फोर्थ टर्म क्या है, आपने कहा सर इसका जो फोर्थ टर्म है 2, 3, 4, सर ए प्लस 3D है। मैंने कहा बेटा इसका फिफ्थ टर्म क्या है, आपने कहा सर ए प्लस 4D है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी टर्म की बात कर रहे हैं तो उसका जो थर्ड टर्म है तो ए लिखेंगे और प्लस उससे पहले वाला, उससे पहले का मतलब है 3 है तो 2D हो जाएगा। फोर्थ टर्म की बात करें ए प्लस 4 से पहले 3 और डी हो जाएगा। फिफ्थ टर्म की बात करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 5 से पहले वाला 4D हो जाएगा। यानी कोई भी टर्म निकालना है तो यहां से पैटर्न समझ में आ रहा है, ए हर टर्म में रहेगा। देखो आप कोई भी टर्म लिखोगे ए प्लस समथिंग रहेगा, ए प्लस समथिंग बस इसी में ऐड होता रहेगा। इसका मतलब हमें यह देखना है डी भी इंटू में रहेगा, लेकिन डी के साथ कितना रहेगा इंटू में, यह आपको जरा पैटर्न यहां से देखो। तो थर्ड है तो 3 से पहले कौन सा नंबर आता है, 2D होगा। अगर फोर्थ टर्म है तो ए प्लस 4 से पहले 3, डायरेक्ट लिख दो 4 में 1 घटाओ या डायरेक्ट लिख दीजिए, उससे पहले वाला नंबर क्या होगा, 1 कम करने से। जैसे अगर हमने कहा 5 से पहले कौन सा नंबर, 4, तो 1 कम करो, वैसे ही n से पहले कौन सा नंबर आएगा मालूम नहीं n, तो n-1। तो ये ध्यान रखना है। अगर मैंने यहां पर कहा 18th टर्म क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखोगे 18th टर्म क्या होगा, a प्लस 18 से पहले कौन आता है, 17D। अगर मैंने कहा 24th टर्म क्या होगा, a प्लस 23 × D। अगर nth टर्म की बात करेंगे a प्लस उससे पहले कौन आएगा, n-1 × D। लीजिए हमारी टेक्निक से ही तैयार हो गया है आपका पैटर्न। इसका मतलब कोई भी टर्म निकालना है 18th टर्म a प्लस 17D, 42वां पद ए प्लस 41D, 48वां पद ए प्लस 47D। अब आपको खुद फील हो रहा है कि हम ऐसे निकाल रहे हैं ना कि हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपने खुद तैयार किया है अपने लिए। यानी अगर मैंने कहा कि 58th टर्म क्या होगा, ए प्लस 57 × D, 62th टर्म क्या होगा, ए प्लस 61D, ठीक है। तो अब इस तरीके से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि इसको ना याद रखें, ये भी आप याद रखेंगे, nth टर्म हमारा a प्लस, और अब n-1 ना लिखोगे, बस डायरेक्ट आप उससे पहले वाला नंबर, जैसे हमने कहा 52th टर्म, तो डायरेक्ट आपके माइंड में चलना क्या चाहिए, a प्लस 51D, इस तरीके से आप बच्चों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट।